जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या आरोपीविरुद्ध आयटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करा. जमियत ए उलमाए हिंदसी बुलढाणा SP यांच्याकडे मागणी. बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत अव्वल कारकून BS मिरगे याने सोशल मीडियावर इस्लाम धर्माचे प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्लम यांचे चरित्र मलिन करणारी पोस्ट व्हायरल करून समस्त मुस्लिम बांधवांचे धार्मिक भावनांना ठेस पोहोचवून दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे मुस्लिम समाजात रोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र पोलिसांनी तात्काळ आरोपी BS मिरगे विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली होती. पोलिसांनी अगोदर आरोपीवर फक्त 295 अ नुसार गुन्हा दाखल केला होता. मात्र मुस्लिम समाजाची मागणी मान्य करीत आरोपी मिरगे विरुद्ध कलम 153 ब व 505 ची वाढ करण्यात आली आहे. सदर वादग्रस्त पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याने आरोपी विरुद्ध IT ॲक्टची कलम लावणे क्रम प्राप्त होते, परंतु पोलिसांनी त्या कलमा आरोपीवर लावलेल्या नाहीत. आरोपी मिरगे विरुद्ध IT ॲक्टची कलम 66 व 67 सुद्धा लावण्यात यावी. तसेच आरोपी मिरगेला सदर पोस्ट कोणी पाठवली याची चौकशी करून संबंधित व्यक्तीलाही आरोपी करण्यात यावे, जेणेकरून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांना चपराक बसेल, अशी मागणी जमियत उलमाए हिंदच्या वतीने बुलढाणा जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांना आज 12 मे रोजी दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. जमियत उलमाचे जिल्हाध्यक्ष हाफिज खलीलुल्ला शेख यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आले असून यावेळी मुफ्ती अनिसुद्दीन, हाजी सय्यद अहमद, मौलाना जाफर, मौलाना तहसीन, हाफिज वकार, मौलाना अब्दुल मजीद खान, सय्यद नसीम, अमान गोहर, मोहम्मद हाजी, शेख इम्रान, अलीम खान, शाहरुख खान यांच्यासह इतर समाज बांधव उपस्थित होते. आज हम जमियत उलमा की तरफ से SP साहब को एक निवेदन दिए हैं, जिसके अंदर मिरगे ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, उस ताल्लुक से उसके ऊपर में साइबर क्राइम के हिसाब से जो है तो गुनाह दर्ज नहीं हुए थे. तो हमने उसके अंदर में चंद बातों को उनके सामने पेश किया और उनसे ये कहा कि भाई इसके अंदर में जो है तो ये चंद कलमें और लगाई जाए, और उन्होंने इस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि हमने साइबर क्राइम के पास में दे दिया है और वो उसकी पूरी पूरी इंक्वायरी होगी और उसके बाद में उनको वो किया जाएगा. जैसा कि ये पोस्ट इसके पास में जो आई है तो जहाँ से जिसने भेजा है तो वो तमाम लोग जो उसमें मुलविस है उन सबको उसके अंदर में अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उन्होंने SP साहब ने हमारे से वादा किया. और हम समझते हैं कि उन्होंने जो कहा है और जो करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर इस आदमी को जैसे ही ये मामला सामने आया फौरन उसको अरेस्ट कर लिया था और हालात को अपने काबू में किया और अमन और शांति को बरकरार रखा. और हमने भी हमारे जमियत उलमा की तरफ से लोगों को इत्मीनान दिलाया और अमन और शांति बरकरार रखी.